मैं हूं बिंटू कुमार और धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुभारंभ हो चुका है और आज है छोटी दीपावली। मैं इस समय खड़ा हुआ हूं पाया की टेक पर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध ये पाया का टेक है, जहां पर महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान यहां पर खरीदती नज़र आ रही है। दीपावली की रौनक सुबह से ही काफ़ी देखने को मिल रही थी बाज़ारों में और मैं इस समय जहाँ पोस्टर और बैनर बिक रहे हैं, यहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ जहाँ अपने मकान घरों को सजाने के लिए लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। किस तरह की दुकानदारी है, मैं यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है आशीष कुमार गोटवाल। आशीष जी, दीपावली इस बार किस तरह की है, किस तरह की दुकानदारी है आपकी? यहाँ पे अभी हाल फिलहाल तो नॉर्मल तरीके से चल रही है, कोई दुकानदारी में खास वो नहीं है वृद्धि कि कस्टमर के पास रुपए भी नहीं रहा हाल फिलहाल में, है ना। और ये बीमारी ले डूबी कुछ तो, और कुछ ये कोरोना हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय जो दुकानदार है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उन पर जो महंगाई है उसकी भी काफ़ी मारामारी है यहाँ पर, जिसके चलते दुकानदार थोड़ा सा मायूस नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ग्राम पंचायत उप सरपंच भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो इस बार दीपावली है वो होने जा रही है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो इस बार जो दुकानदारी है किस तरह की है? जैसे दुकानदारी बढ़िया है, लेकिन लोग आजकल ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिस कारण जो यहाँ के प्रॉपर जो गाँव के दुकानदार हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनका सामान नहीं बिकता है। तो मेरा स्पेशली ग्रामवासी से यही कहना है कि सामान खरीदें जो ऑनलाइन कम खरीदें और यहाँ के दुकानदारों से सामान खरीदें, ताकि इनके घर भी दिवाली बन सके। दिए वगैरह आप चाइनीज़ आइटम की जगह आप जो कुमार लोग बनाते हैं वो मिट्टी के दिए खरीदें, चाहे उनको कलर पेंट करके उनको स्पेशल बना ले, रंगोली वगैरह बना के, वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो बस थोड़ी सी टाइम पास भी हो जाता है आदमी का, भाई पूरे दिन दिवाली की सजावट में लगा रहता है। तो जितना ज़्यादा लोग यहाँ से खरीदेंगे महंगाई में उतना ही कंट्रोल होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पर खरीदेंगे तो जिससे लोगों का सामान बिकेगा और ज़्यादा सामान में प्रॉफिट के लिए फिर वो महंगाई कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महंगाई है उसका भी यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन पर काफ़ी फर्क दिख रहा है कि जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर काफ़ी मायूस है। दीपावली जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। हम इस समय कस्बे में पाया की टेक पर खड़े हुए हैं। दीपावली का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम एक कुलदीप कंगन स्टोर जो दुकान है यहाँ पर खड़े हुए हैं। किस तरीके की दीपावली को लेकर इनकी तैयारियाँ हैं? सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जो इस बार जो दीपावली है किस तरीके की तैयारियाँ आपकी चूड़ों को लेकर? जी अब की बार दीपावली पिछली बार से बहुत ज़्यादा फीकी है, कम से कम भी 60-70% पिछली बार से कम है, अब की बार बहुत ज़्यादा हल्की दिवाली बनी। अपन बात करें, आप बता रहे दीपावली फीकी है, क्या कारण है इसका जैसे दीपावली फीकी रहने? फिलहाल कोरोना की बीमार है, फिर डेंगू और बीमारी चल रही है, जिसके कारण मार्केट में लोग आ नहीं पा रहे। लगता है कि लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसे वगैरह, या महंगाई? हम महंगाई सबसे बड़ी मार है। अभी देखो पेट्रोल 120 के करीबन हो रहा है और सरसों का जो तेल खाने पीने में यूज हो रहा है वो 200 के करीब चल रही रेट महंगाई। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो यहाँ महंगाई है वो काफ़ी असर डाल रही है यहाँ के स्थानीय लोगों पर। अपन चूड़ों की बात करें, किस तरह की चूड़ों वगैरह की इस बार मार्केटिंग रही है? चूड़ों की मार्केट हर आइटम से कम रही है, मतलब ज़्यादातर जो मेन मार्केट है वो गिफ्ट आइटम की रही है, अब की बार चूड़ों की बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं बाज़ार यहाँ जरूर फीका दिख रहा है, जिस तरीके से दीपावली पर रौनक होनी चाहिए, जो ख़रीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। हम एक कंगन स्टोर की दुकान है, चूड़े की दुकान, काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है पाया की टेक पर। हम इस बार किस तरह की दीपावली है, किस तरीके का इनका व्यापार चल रहा है इस बार, दीपावली है इस बार किस तरह की खरीदारी चल रही है अंकल? पहले बीच भी बढ़िया दुकानदारी चल रही है, 2 दिन का ऐसा है खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है, ये जो ग्राहक कितनी आ रही है, मार धाड़ मच रही है, बढ़िया तूफान निसर रहा है। अपन बात करें महंगाई, कहीं ना कहीं जैसे पेट्रोल डीजल इन पर दाम बढ़े हैं, गैस पे बढ़े हैं, सरसों का तेल महंगा है, महंगाई बढ़ रही है, उससे कोई मार्केट पे फर्क दिख रहा है? जैसे महंगाई में तो क्या है कि महंगाई तो मार रही है भाई, तेल पे देखो, डीजल पे, पेट्रोल पे, जैसे कि इससे इतना ही हुआ है, कोई 500 का भी सेट ले रही है तो कोई 150 का ले रही है, कोई 100 का ले रही है, महंगाई तो मार ही रही है। अब जैसे स्पेशल चूड़ों का काम रहते हैं, गत वर्ष की अगर बात करें, गत पहले जो काम था वो इस बार किस तरीके का काम है चूड़ों का, अगर चूड़ों की बात करें तो? नहीं चूड़ों का तो बिल्कुल सही है, चूड़ों का तो सही चल रहा है, पहले जिस तरह ही चल रहा है, चूड़ों में कोई मतलब फर्क वाली बात ना आई, बढ़िया काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो दुकानदार हैं वो अपने जो कार्य है उससे जरूर यहाँ संतुष्ट आ रहे हैं।
अंकल जी अपन बात करें ऑनलाइन जो खरीदारी हो रही है, कहीं ना कहीं चूड़ों पर भी ऑनलाइन खरीदारी से फर्क पड़ा है? बिल्कुल, ऑनलाइन चूड़े चल रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर देते हैं वैसे भेजते भी हैं और मंगवाते भी हैं। आपके ऑनलाइन भी खरीदारी होती है यहाँ से, जैसे अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर दे आपके? मेरे पास तो अभी तरह टाइम ऑनलाइन भेजने का टाइम ही नहीं है, इसकी ग्राहकों की भरपूर नहीं हो रही है, आ रही हैं ले जा रही हैं ऑनलाइन। आप जैसे अपन चूड़ों की बात करें, जो सबसे जो बेस्ट जो लोग मांग होती है महिलाओं की चूड़ों की, कौन सा है चूड़ा ऐसा जो सबसे ज़्यादा? कड़ा पाटला में सेट आता है, दुल्हन सेट, बढ़िया पाँच चूड़ी का सेट, कड़ा पाटला का सेट है, ये ऐसे सेट ज़्यादा चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो दुकानदार है उनकी दुकानदारी है, चूड़ों की दुकान है, आप काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है पाया की टेक पर, बजरंग लखेरा के नाम से ये दुकान जानी जाती है। और ऑर्डर से इनके यहाँ चूड़ों का जो है कार्य है वो किया जाता है। बावली का पर्व इस समय बड़े हर्षोल्लास के साथ चल रहा है और मैं इस समय मार्केट में खड़ा हुआ हूँ। कलेक्टर साहब के सख्त आदेश थे कि जो कुंभकार हैं उनके जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बनाते हैं, उनकी खरीदारी अधिक से अधिक हो। तो मैं एक मिट्टी के जो दिए हैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, किस तरह की इनकी दुकानदारी है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस बार जो कलेक्टर साहब के भी आदेश थे कि मिट्टी के बर्तन अधिक बिके हैं, तो किस तरह की दुकानदारी थी, कुछ असर हुआ उस? नहीं, काफ़ी अच्छी दुकानदारी है, काफ़ी अच्छी दुकानदारी है। दो तीन साल से कोरोना की वजह से दुकानदारी नहीं थी, अब काफ़ी अच्छी दुकानदारी है। इस बार अच्छा मौसम है, अच्छी दुकानदारी है। चाइनीज़ दिए भी मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन इस बार मिट्टी के दियों के लिए कलेक्टर ने स्पेशल प्रोत्साहित किया था लोगों को कि आप जो एक गरीब परिवार है, गरीब तबका है, प्रजापत समाज के लोग, उनके मिट्टी के जो बर्तन है वो खरीदे, तो किस तरीके के मिट्टी का बर्तनों का काम है इस बार? नहीं, अच्छा काम है, फिलहाल अच्छा काम है, मिट्टी के दियो मिल नहीं रहे फिलहाल, कल तो मिलने भी नहीं बिल्कुल। आज जिस कंडीशन है ना, आज की जो कंडीशन है ना, वो अलवर कोटपुतली कहीं भी दीपक नहीं है फिलहाल, जो दीपक है यही है बस। क्या क्या था इस बार कि आपको मालूम नहीं चला कि भाई इस बार इतने दिए की डिमांड बढ़ने वाली है मिट्टी के बर्तनों की? क्या है कि दो तीन साल से कोरोना की वजह से दीपक कम बिक रहे थे, अब ये मौसम खुल गया, लॉकडाउन थोड़ा खुल गया, सख्ती थोड़ी कम हो गई, इस कारण दीपक अच्छे बिके हैं। मैं बात करूं मिट्टी के जो बर्तन जो ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं जो ज़्यादा मांग बढ़ रही है उनकी, ज़्यादा बिक रहे हैं वो? मटके हैं, दीपक हैं, कलश, और यही है। तो आप देख सकते हैं मिट्टी के जो दिए हैं इनकी भी काफ़ी मांग बढ़ी है। बालाजी फ्लावर डेकोरेशन पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, जहाँ आप अपने घर को या पूजन के लिए फूलों के फूल यहाँ से खरीद सकते हैं, गेंदा के फूल। सर, इस बार जो दीपावली है फूलों की किस तरह की मांग चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर, बहुत अच्छी चल रही है। कितने दिन से, अभी जैसे कल धनतेरस से पाँच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हुआ था, आज छोटी दिवाली है, तो किस तरह के कितने फूल बिक जाते हैं आपके दिन भर में? जैसे आज दिन भर में आज कम से कम भी एक डेढ़ क्विंटल फूल बिके हैं आज, और कल इससे ज़्यादा, यानी कि दुगना तिगना तो बिके ही बिकेगा। तो आप यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर खुशी की नज़र आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं बढ़ चढ़ कर इनका सहयोग कर रहे हैं, फूलों की खरीदारी कर रहे हैं, और जो कॉस्मेटिक सामान से हैं, मिठाई है, दिए वगैरह हैं, इस तरीके के लोग जिनकी खरीदारी से काफ़ी इन पर असर पड़ता है, इनकी अच्छी दिवाली बन सकती है। तो आप भी इस तरीके से, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी इनकी खरीदारी में अहम सहयोग करें, ऑनलाइन खरीदारी ना करें। जैसे अगर अपन फूलों की बात करें, क्या भाव इस समय मार्केट में चल रहा है, महंगाई वगैरह का कुछ असर पड़ा फूलों पर? फूलों पर कोई असर नहीं है महंगाई का। फूल जो ये गेंदे के जो फूल हैं जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं अपने, या स्थानीय? यहाँ स्थानीय से आ रहे हैं, सब्जी मंडी से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दिवाली इन लोगों की है इस बार। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ जोधपुर मिष्ठान भंडार, जो कि नारायणपुर का प्रसिद्ध मिठाइयों की दुकान है। दीपावली का उत्सव इस समय चल रहा है, पाँच दिवसीय दीपोत्सव धनतेरस से इसका शुभारम्भ हो चुका था। नारायणपुर कि जो प्रसिद्ध दुकान है जोधपुर मिष्ठान भंडार, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस दीपावली को किस तरह की खरीदारी रही मिठाइयों की। नमस्कार सर, इस बार जो मिठाइयों की जो दुकानदारी है, गत वर्ष के मुताबिक किस तरह की रही है? गत वर्ष से बहुत कम है इस बार, कुछ लोग ज़्यादा डेंगू शेर, हर चीज़ से महंगाई शेर बहुत परेशान है, लोगों के पास इनकम भी नहीं है, उस वजह से थोड़ा त्यार हर लोगों के फीका रहा इस बार। अपन बात करें महंगाई की बात करें तो कितना महंगाई से लोगों पर असर पड़ा है? महंगाई से सर बहुत असर पड़ा है, हर चीज़ डबल हो गई। जैसे हमारे भी ले लो आप, तेल ही ले लो, 1100-1200 का टीन आ रहा था, आज 2500 का हो गया। चीनी ले लो, 3200-3300 की आ रही, 4000 हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई सर। सर, अगर अपन बात करें मिलावट की, मिलावट भी काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है, इसको लेकर आप
क्या एहतियात बरते हैं अब की बार, किस तरीके की रहा है? जैसे देखो सर, मिल आउट करने वाले करते भी है और उस पर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो 100% शुद्ध है और खुद बनाते हैं, खुद सब कुछ दूध यहाँ बुला के खुद एक नंबर चीज बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, नारायणपुर में सबसे बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। अपन जैसे जो बाहर के दुकानदार भी हैं, जगह जगह जो दुकानें बनी हैं, उससे भी कुछ नारायणपुर में इस बार दुकानदारी का फ़र्क पड़ा है जैसे? तो वो तो है ही सर, फर्क तो पड़ता ही है। बाकी कमाने के लिए देखो सब लगाते हैं अपने रोज़गार के लिए, सब लोग मरे पड़े हैं, 2 रुपये कमाने के लिए सब आस करते हैं और आस करके ही सब अपना धंधा चलाते हैं, वो करते हैं। फिर थोड़ी बहुत महंगाई की, हर चीज़ की, बीमारी से, हर चीज़ से लोगों की थोड़ी। सर मैं बात करूं, मिठाइयाँ खूब होती हैं, बर्फी है, कलाकंद है, और भी काफ़ी मिठाइयाँ हैं, लेकिन अपन बात करें जोधपुर मिष्ठान भंडार की, इसमें ऐसी कौन सी मिठाई है जो सबसे ज़्यादा लोग खाने के पसंद करते हैं? जोधपुर मिष्ठान भंडार की सर कोई भी मिठाई ले लो, गारंटी के साथ बनाते हैं, खुद बनाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को देते हैं, पूरे विश्वास के साथ देते हैं। तो उसमें क्या है, लोगों को भी थोड़ा टेस्ट से, हर चीज़ से उनको भी उम्मीद रहती है कि भाई 100% जोधपुर मिष्ठान भंडार में स्वच्छ एंड शुद्ध मिठाई मिलेगी, इसलिए वो भी लोग उम्मीद करके जोधपुर मिष्ठान भंडार में आते हैं और हम उस उम्मीद पर खरे उतरते हैं। हम भी मतलब जितनी हो सके साफ सफाई हर चीज़ से और बढ़िया लेटेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। तो ये जोधपुर मिष्ठान भंडार के जो मालिक हैं वो हैं, आप देख सकते हैं इनका जो पर्पज़ है वो यही है कि शुद्ध मिठाई और अच्छी साफ सफाई के साथ आपको ये मिठाई आपको उपलब्ध कराएं, हर क्वालिटी इनके पास मिलेगी। एक बार आप इनकी दुकान पर आकर सेवा का मौका इनको अवश्य दें। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू।